नमस्कार, सुप्रभात। आए जीवन में भरें नई उमंग सब रंग के संग। मित्रों, यूं तो कहा जाता है कि जीवन हार और जीत का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हार से भी यदि हम सीख लेकर आगे बढ़ें तो वो जीत में तब्दील हो जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा ही करें, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, परिस्थितियां तो आती ही हैं, और यदि वहां हार हुई तो हम उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ें, मन से ना हारें। क्योंकि कहा गया है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ऐसा ही कुछ सुंदर सा सुवाक्य लेकर आज आपके लिए हम आए हैं, आइए सुनते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरी पाइये, मन ही की परतीत, कबीर दास। दोस्तों, अक्सर हम लोगों और परिस्थितियों से तंग आ जाते हैं और महसूस करते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप इतने समझदार हैं कि अपनी नाकामयाबी का कारण खुद के अंदर खोज सके, तो कोई भी परिस्थिति आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगी। अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि उसे केवल संभावनाएं दिखें, सीमाएं नहीं। इसलिए हार को इतनी आसानी से स्वीकार न करें, अपनी असफलताओं से सीखें और एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ें। मित्रों, मन की हार और जीत की बात सुनकर मुझे एक किताब की याद आ गई, माइंड ओवर मेडिसिन। इसे यदि आपने पढ़ा हो तो आपको बहुत सारी सत्य घटनाएं मिल जाएंगी, जिसमें से एक घटना जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था। एक दवा उसी समय इजाद की गई थी जिसे खाने के बाद, इस विश्वास से खाने के बाद कि मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ठीक हो गया। लेकिन जब ये पता चला कि नहीं, ये जो दवा है फेक है, तो फिर से उसके अंदर वो बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगे और उसकी मृत्यु भी हो गई। डॉक्टर्स इस निष्कर्ष पे पहुँचे, यदि मन से ये मान लिया जाए कि आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ये बहुत कारगर चीज़ है, तो उसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। और यदि आप निराशाजनक भावों से भरे होते हैं तो फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाता, उसकी कुछ अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते। तो क्यों ना हम बहुत स्वस्थ विचार के साथ जीवन को जिएं, ताकि जीवन बहुत ही आनंदपूर्वक हम आगे ले जा सकें। कल भी हमने कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में सुना था, आज भी हम उसी के बारे में सुनेंगे, ताकि मन में किसी भी प्रकार का डर या भय बीमारियों को लेकर हमें ना रहे। आइए सुनते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे आज के समय की बीमारियों की, गैर संक्रामक रोगों की। तो गैर संक्रामक रोग, इसके लिए जो मुख्य चीज देखने में आई है कि इसमें मेडिटेशन का बड़ा महत्व है, और स्पेशली राजयोग मेडिटेशन में हमने पिछले 25 साल में थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, इस कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। DRDO से मिलकर हमने काम किया और हमने पाया कि अगर हम स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल तीनों आस्पेक्ट पर, इंसान के तीनों आस्पेक्ट्स को एड्रेस करें और साथ में मॉडर्न हेल्थ केयर को लेते हैं, तो दिखने में आता है आप ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं, आप डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं, आप अपने हार्ट के ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं, दमे की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं, कैंसर से आप निजात पा सकते हैं, एसिडिटी से आप निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप चाहते हैं, आप टोटल हेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं, याद रखें अपने आत्मिक केयर करें, स्पिरिचुअल केयर करें, उसके लिए आप राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग करें। अपनी टीम को, अपने मन को पॉजिटिव बनाएं, अपनी टीम थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज़ को पॉजिटिव बनाएं। उसका साधन क्या है, 8 बजे तक आप कोई भी नेगेटिव चिंतन ना करें, सिर्फ पॉजिटिव चिंतन करें। अखबार, न्यूज़, टेलीविजन, मोबाइल से बचें 8 बजे तक, उसके बाद भले आप उसको पढ़ें, यूज़ करें। और भोजन, शरीर के लिए प्रॉपर भोजन, जैसे आपको बताया भी गया है, 1 घंटा कम से कम डेली वॉक सनराइज के बाद, और समय पर सोना, 10 बजे सो जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके मेडिटेशन करें, तो आप पाएंगे कि आपकी स्वास्थ्य परफेक्ट रहेगा। और साथ साथ अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर की दवाई भी लेना ना भूलें।
तो आप, हम विश करते हैं, हमारी भावना है आपके प्रति, शुभ भावना है कि आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शांति। पितरों, हम स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ऐसी हमारी कामना रहती है और इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं या तीर्थ स्थलों पर भी हम जाते हैं। भाव हमारा यही होता है कि हमारा मन भी पवित्र हो और जीवन भी हर प्रकार से संपन्न हो। आइए आज आपको लिए चलते हैं हम एक ऐसे ही सुंदर तीर्थ पर जिसे तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है, जहां विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और जहां समूचे विश्व से लोग आकर के धार्मिक भावना और आध्यात्मिक भाव से भर जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तीर्थराज पुष्कर की। आइए चलते हैं। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर दुनिया के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ भगवान ब्रह्मा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने 5000 साल पहले उसी स्थान पर एक यज्ञ किया था जहाँ अब पुष्कर मंदिर है। हिंदू धर्म पुष्कर की यात्रा को परम तीर्थ मानता है, जो एक भक्त को मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए। एक पवित्र स्थान होने के नाते इस शहर में न मांस, न अंडे और न ही शराब की अनुमति है। बस सभी जीवन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। ब्रह्मा को सभी सृष्टि का स्रोत माना जाता है, जिस बीज से सभी स्थान, समय और कारण उत्पन्न होते हैं। कलाकार, लेखक और अन्य रचनात्मक व्यक्ति अपनी रचनात्मकता की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए, ब्रह्मा और सरस्वती की प्रेरणा को जगाने के लिए पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर आते हैं। ये समझने के लिए कि ब्रह्मा को देवता के रूप में व्यापक रूप में क्यों नहीं पूजा जाता है, हमें विश्व नाटक के कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को समझना पड़ेगा। सभी चक्रीय प्रक्रियाओं की तरह समय भी चक्रीय है और चक्रीय होने के कारण ये खुद को दोहराता रहता है। प्रत्येक चक्रियाकल्प के अंत में परमात्मा सृष्टि पर वापस देवत्व को पुनर्स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करता है। ऐसा करने के लिए वो एक व्यक्ति का चयन करता है जिसे वो अपना माध्यम बनाता है और उस माध्यम से दिव्य ज्ञान वितरित करता है। इस चुने हुए व्यक्ति को अनेक शास्त्रों में ब्रह्मा, मनु, आदम, आदिदेव, आदि योगी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। चूंकि एक मनुष्य के रूप में ब्रह्मा ने पूर्णता प्राप्त करने के लिए कल्प के अंत में कठोर आत्मशुद्धि की, वो अगले कालचक्र के शुरुआत के पहले नारायण बन गए। कल्प के अंत में वही आत्मा ब्रह्मा बनती है और वही कल्प के आरंभ में नारायण बनती है, परंतु उनके ब्रह्मा रूप की पूजा नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा एक आध्यात्मिक साधक है जिन्होंने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। उसके लिए ज्यादा मंदिर नहीं बनाए, क्योंकि मंदिर बनाया जाता है देवताओं के लिए, न कि साधकों के लिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब वही साधक ब्रह्मा पूर्णता को प्राप्त कर नारायण बन जाता है तो उसकी हर जगह विष्णु के रूप में पूजा होती है। परमात्मा हमें ये समझाते हैं कि हम पूजा के योग्य तभी बनते हैं जब हम सतयुग के देवताओं की तरह पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। तीर्थराज के दर्शन करके मन सचमुच पावन भावों से, शुद्ध विचारों से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए तीर्थ स्थलों पर हम जाते हैं, मंदिरों में हम जाते हैं या अपने आराध्यों के सामने बैठते हैं। इसके साथ साथ जब हम टेलीविज़न के सामने बैठते हैं तो बहुत सारे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस हमारे सामने आते हैं जिन्हें भी हम फॉलो करते हैं, चाहे उनके पहनावे ओढ़ावे को या अन्य बातों को।
बाहरी रूप से तो हम उन्हें फॉलो कर लेते हैं, क्या हम ये जानते हैं कि आंतरिक रूप से वो क्या सोचते हैं, वो क्या विचार रखते हैं और किस बात ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया है? नहीं जानते ना। इसीलिए हम आपके लिए सुंदर सा एक सेगमेंट लेकर के रोज आ रहे हैं ताकि आप उनके अंदर की धारणाओं को जान सकें, वो क्या सोचते हैं ये जान सकें अध्यात्म के बारे में। विशेष करके आज हमारे साथ अपने सुंदर अनुभव साझा कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री बहन ग्रेसी सिंह जी। आइए सुनते हैं। इसमें मैं अपने मम्मी के माध्यम से आई हूँ, तो मेरी मम्मी चाहती थी कि हम साथ में कभी जाएं और कोर्स करें और रेगुलर क्लासेस फिर शुरू करें। तो ऐसा समय मिल नहीं पा रहा था, बहुत समय से डिले हो गया। फिर एक ऐसा टाइम आया, मैं दिल्ली गई कुछ 10-15 दिन के लिए, फ्री थी। तो फिर मम्मी ने कहा अभी आप पता करके आओ कि हमें कोर्स करना है। तो मैं ऐसे ही चली गई, बिल्कुल नहीं बताया अपना नाम। और फिर मैंने पूछा कि कब से आ सकती हूँ क्लासेस के लिए, तो मुझे और डिटेल में पता नहीं था। तो दीदी बड़े प्यार से स्माइल करके बाहर आई और उन्होंने टाइम दिया मुझे। और मैंने कहा फीस, तो उन्होंने कहा बस समय ही आपको खर्च करना पड़ेगा। वो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई जिस वृत्ति से उन्होंने कहा था ना, वो इतना टचिंग था कि ऐसे भी लोग हैं। और फिर मैंने रेगुलर मम्मी के साथ जाना शुरू किया कोर्स के बाद। फिर बॉम्बे आने के बाद क्लासेस शुरू की जी। तो जब इनका एक शिवरात्रि का प्रोग्राम मैं फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया, पर्सनली जब देखा सारे दीदियों को, तो मुझे लगा जैसे फरिश्ते होते हैं। इतना ग्लो फेस पे, उनकी स्माइल और जो बोलने का तरीका है और कंटेंटमेंट, संतुष्टता। तो मैं तो ग्लैमर वर्ल्ड से हूँ, उधर पहले अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, मगर ये चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट की। और जो शांति सबसे बड़ा जो है ना गिफ्ट है। और फिर उनके सबके अनुभव मैंने सुने, जो जो कैसे लाइफ में वो कितना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन हम हमेशा खुश कैसे रहें और उस सिचुएशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं अपनी पावर से, शांति की पावर। और इतनी सारी, फिर जब मैं दादियों से मिली और उनका प्यार मुझे मिला, तब और भी ज़्यादा उन्नति होने लगी इस चीज़ में। तो हर चीज़ को बैलेंस करना आ गया। और मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि धीरे धीरे एक साल में कैसे मेरी कुछ जो भी थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ होंगी, काफ़ी सारी, वो एकदम से गायब। इतना प्रोग्रेस हो गया अंदर से। अब कोई छोटी बात पे अपसेट नहीं होना। होता क्या था, जैसे परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब है तो मैं टेंशन, ऐसी छोटी छोटी बातों पर होता था, लेकिन वो सब अभी बिल्कुल नहीं। सुंदर प्रेरक अनुभव। आपको जानकर खुशी होगी कि ग्रेसी सिंह जी ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और यहाँ की आध्यात्मिक बातें उन्हें अपने जीवन में सफलता के शिखर की ओर ले जा रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज हर क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक सेवा कर रही हैं, चाहे वो अभिनेता हैं या फिर राजनेता, चाहे वो शहरी हैं या ग्रामीण, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हुए हैं या उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, सभी वर्गों की सुंदर सेवा करते हुए उन्हें जीवन जीने की कला सिखा रही हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार उनकी ये सेवाएं हो रही हैं इस न्यूज हाइलाइट्स में। हर साल 15 फरवरी यानी आज के दिन को सिंगल अवेयरनेस डे या एकल जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यह संदेश दिया जाता है कि सिंगल रहना भी कोई कमी की बात नहीं है। दरअसल सिंगल अवेयरनेस डे सिंगल होने के खुशी मनाने का दिन है। इस दिन का उपयोग आप खुद के साथ वक्त बिताने, खुद में सुधार लाने या आत्मविश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं। सिंगल रहना या किसी के साथ रहना, यह अपने अपने पसंद की बात है, पर इस दिवस को मनाने का बस एक ही मकसद है और वो है अपने अकेलेपन की ताकत को पहचानना। परमात्मा भी कहते हैं आप एक आत्मा है जो अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। आध्यात्मिकता कहती है जब आप अपने आत्मिक स्वरूप को जान जाते हैं तब अपने साथ बैठने और अपने में रमण करने का ताकत आता है। और जो आत्मा अपना पहला पार्टनर परमात्मा को बनाते हैं उन्हें कोई भी संबंध बनाने या निभाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
तो आइए इस एकल जागरूकता दिवस को हम अपने अति प्रिय परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने के दिन के रूप में मनाएं और एक नई शुरुआत करें। मित्रों, एक गृहस्थ एक आश्रम में गाय छोड़कर जाता है। शिष्य खुशी से अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी, एक गृहस्थ हमें गाय भेंट देके गया है। गुरुजी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अब रोज़ हमें उसका दूध पीने को मिलेगा, हम सब बहुत आनंद लेंगे उसका। कुछ दिनों के बाद वो गृहस्थ आता है, अपनी गाय लेके वापस चला जाता है। शिष्य फिर भागा भागा जाता है गुरुजी के पास, कहता है कि वो तो जो गाय दे के गया था अपनी गाय वापस लेके चला गया। गुरुजी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, रोज़ रोज़ जो गोबर उठाने का झंझट था वो अब ख़त्म हो गया। सचमुच कितनी अच्छी बात है ना। यदि चीज़ें हमारे फेवर में हैं तो भी हम प्रसन्न, हमारे फेवर में नहीं हैं तो भी हम प्रसन्न। मन की ही तो बात है, मन को यदि हम सकारात्मक भाव से भरे रखते हैं तो खुशी हमारी सदैव बनी रहती है और जीवन में हम सतत आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सब भी सतत आगे से आगे बढ़ें, प्रसन्न रहें, आनंदमय रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।